राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इस दौरान मदन दिलावर बोले कि राहुल गांधी के बयान के बाद अगर कोई कांग्रेसी कहता है कि मैं हिंदू हूं और हिंदू हिंसक नहीं होते, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है और हिंदू और देश के प्रति थोड़ा सम्मान उसके मन में है, तो भाजपा में आए या ना आए, लेकिन उसे कांग्रेस तुरंत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है जो हिंदू को हिंसक बताती है। वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फोन टैपिंग मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। सीएम रहते हुए अशोक गहलोत ने कहा था कि उन्होंने कभी फोन टैपिंग नहीं किया, जबकि उनका खुद का ओएसडी बोल रहा है कि हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है, ऑडियो सुना भी जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने ईमानदारी का चोला ओढ़कर क्या नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री का फोन टैप किया था। अब गहलोत के पास इसका कोई जवाब नहीं है, बस सत्ता पक्ष से डरे हुए हैं, इसलिए गहलोत डर के मारे विधानसभा भी नहीं आते हैं। वही आपातकाल को लेकर मदन दिलावर बोले कि कांग्रेस ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या आपातकाल लगाकर की थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के चुनाव को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अपनी सीट बचाने के लिए संविधान को निलंबित कर आपातकाल लगा दिया था। चुनाव के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा सरकार बनाने पर आरपीएससी भंग करने के सवाल पर दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि आरपीएससी को भंग किया जाएगा, क्योंकि आरपीएससी भंग नहीं की जा सकती, इसमें सिर्फ बदलाव और सुधार किए जा सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।